हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आज हम लोग बनाएंगे छोले, और आज ये डिश स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो घर से बाहर हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, पढ़ने निकले हैं, उन सभी लोगों के लिए। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, बीच में हम कई सारे टिप्स दे देते हैं, प्लीज आप उनको टिप्स को जरूर लिया करें। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सामग्री देखते हैं क्या क्या है। 5 मिनट की वीडियो है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, प्लीज पूरा देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए छोले, 6 घंटे फुलाए हुए पानी में, और फिर नमक डालकर इनको प्रेशर कुकर में पका दिए। 2 टमाटर कटे हुए, 2 छोटी प्याज कटी हुई, 4 लहसुन की कलियां, 2 इंच और 2 इंच कटा हुआ अदरक। ठीक, अब प्याज लहसुन और अदरक को मिक्सर जार में डालकर अच्छे से ऐसे ग्रेट कर लेंगे, पूरा महीन महीन पीस लेंगे। अभी इस तरह से पीस चुका है प्याज, अदरक और लहसुन, तीनों चीजें हमने एक एक इसमें पीस ली। अभी कुकर गरम किया, उसमें सरसों का तेल 1 चम्मच डाला, उसमें 1/2 चम्मच जीरा ऐड किया। तो अब तुरंत इसी के साथ हरी मिर्ची जो हमने काटा थी 2, और तुरंत 3 से 4 तेज पत्ते इसमें ऐड करते हुए चलाते हुए इसको पकने दिया। 1 मिनट इसको पकने देंगे। अभी मसाला पक चुका है, हम लोग इसमें तुरंत ये जो हमने पेस्ट रेडी किया था इसको इसमें मिला देंगे। इसको तुरंत अच्छी तरह से मिलाएंगे, इसमें मिक्स करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक, थोड़ा सुनहरा होने तक इसको भूनें। सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप लोग प्याज का मसाला पका रहे हैं, ये पूरा मसाला आप लोगों को मीडियम आंच पर या मध्य आंच पर ही पकाना है, नहीं तो ये मसाला जल्दी जल जाएगा। 1/2 कप दही, जब तक प्याज का मसाला वो पूरा रेडी होता है, आप लोग 1/2 चम्मच आधी कटोरी दही में हल्दी, मिर्ची, धनिया 2 चम्मच, नमक इस तरह से रेडी करके पूरी तरह से घोल कर देना। ऐसे पूरा मसाला दही इसमें डालकर मिक्स कर देना है। अब इसमें तुरंत मिलाने के तुरंत बाद इसमें ये टमाटर जो हमने काट रखे थे चलाते हुए इसमें मिला देना है। टमाटर को तेल छोड़ने तक पकने दें, अच्छी तरह से एक बार उसको चम्मच से या किसी भी चीज से आप पका रहे हैं उससे मसल लें, और फिर इसको 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ढककर रख दें। इस तरह से टमाटर पक चुका है, अब टमाटर ने तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया, देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे 1/2 चम्मच खटाई पाउडर, 1/2 चम्मच से भी कम होममेड गरम मसाला आपको इसमें ऐड कर देना है। अगर आप कहें होममेड गरम मसाला कैसे बनना है, इसका हमने डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दे रखा है, नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक में गरम मसाला इसका चेक कर सकते हैं। गरम मसाला और खटाई मिक्स करते हुए अब यहाँ छोले डाल दिए, बस यहाँ किया मिक्स। मिक्स होने के बाद 2 मिनट इसको अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएं, गरम होने दें, और फिर इसमें पानी डालें। पानी का अमाउंट बताते हैं, जिस बाउल में आपने वो दही वगैरह मिलाया था, पूरा मसाला मिक्स किया था, उसी बाउल में आपको 2 कप पानी लेना है और इसमें डाल देना है। बस ग्रेवी रेडी होने तक, गर्म होने तक इसको पकाना है। 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में, आप लोग 10 मिनट तक इसको ढककर पकाएं। अभी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं उबाल आ चुके हैं। अब यहाँ 1 कटोरी हरा धनिया लेकर इसमें सीधा डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर धनिया ऐड करने के बाद एक बार तेज आंच करें और इसको ढक दें, और बस ढक इसको फ्लेम ऑफ कर दें, भाप में धनिया का अच्छे से एसेंस इसमें आ जाएगा। अभी हम लोग इसको सर्व करेंगे। अभी छोले सर्व करने के लिए रेडी हुए, सभी लोग भटूरों के संग ट्राई करें, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें,
और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिए।